समुंदर के किनारे कुछ लोग टहल रहे थे, तभी उनकी नजर एक आदमी पे पड़ती है। वो लोग उसके पास जाते हैं और उसे सीधा करते हैं तो एकदम डर जाते हैं। वो आदमी मर चुका था। वो डिटेक्टिव मेहुल को क्राइम सीन पे बुला लेते हैं। मेहुल उसकी डेड बॉडी को चेक करता है। वो बॉडी काफी सड़ चुकी थी। इसकी मौत 2-3 दिन पहले हो चुकी है। इसकी बॉडी से बदबू आ रही है, लेकिन इसकी मौत पानी में डूबने से नहीं हुई है, बल्कि इसे मार के पानी में डाला गया है। क्यों लॉजिकल आर्मी, ऐसा क्यों लगा मेहुल को कि उसकी मौत पानी में डूबने से नहीं हुई है? सोचिए लॉजिकल आर्मी। बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए। पानी में डूबने पर बॉडी फूल जाती है, लेकिन ये बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है। इसका मतलब इसकी मौत पहले ही हो चुकी थी, उसके बाद इसे पानी में फेंका गया है। तभी मेहुल की नजर उस मरे हुए आदमी के पैंट की जेब में पड़ती है। मेहुल को उसकी जेब के अंदर एक पैकेट मिलता है। मेहुल उस पैकेट को ओपन करता है तो पैकेट के अंदर कुछ रुपए और उसका आईडी कार्ड था, जो पूरी तरह से भीग चुका था, तो उसमें कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। ये कौन था, कहां से आया था, कैसे समझेगा? लेकिन उसके पैकेट में मेहुल को एक आईडी कार्ड और मिलता है, जिसपे कुछ चीजें साफ दिख रही थी, और वो आईडी कार्ड पे प्रतिभा ज्वेलर्स लिखा हुआ था। प्रतिभा ज्वेलर्स। इस आईडी कार्ड से मेहुल को एक बहुत बड़ा हिंट मिलता है। क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी, क्या हिंट? प्रतिभा ज्वेलर्स का आईडी कार्ड है, मतलब ये जरूर वहां काम करता होगा। मेहुल डेड बॉडी के फोटोज लेता है, डेड बॉडी को अपनी कार में डालता है और प्रतिभा ज्वेलर्स जाने के लिए निकल जाता है। समुद्र के किनारे से प्रतिभा ज्वेलर्स तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते थे। पहला रास्ता शहर से होकर जाता है और दूसरा रास्ता जंगल से होकर जाता है, जो शॉर्टकट था और फटाक से मेहुल को ज्वेलर्स तक पहुंचा देगा। लेकिन मेहुल शहर की तरफ गाड़ी मोड़ता है और निकल पड़ता है। तो क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी, मेहुल ने ऐसा क्यों किया? जबकि जंगल का रास्ता शॉर्टकट था, तो मेहुल ने शहर वाला रास्ता क्यों लिया? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। मेहुल की कार में वो डेड बॉडी रखी हुई है, इसलिए मेहुल पहले उस डेड बॉडी को लेकर डॉक्टर संजना के पास जाएगा और उसके बाद प्रतिभा ज्वेलर्स जाएगा। मेहुल डेड बॉडी लेके लैब के सामने पहुंच जाता है, लेकिन लैब पे ताला लगा हुआ था। डॉक्टर संजना की तबीयत खराब है। मेहुल उस डेड बॉडी को अपनी गाड़ी में रखता है और दूसरे हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। मेहुल दूसरे हॉस्पिटल में डेड बॉडी देता है और शॉप के लिए निकल जाता है। रास्ते में मेहुल को फोन आता है कि डेथ पानी से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई है। दिस इज इंटरेस्टिंग, मतलब मेरा शक सही था। मेहुल प्रतिभा ज्वेलर्स की दुकान में पहुंच जाता है। मेहुल जैसे ही बिल्डिंग के अंदर जाता है तो सामने उसे एक बोर्ड दिखता है, जिसपे गोल्ड का दाम लिखा हुआ था, 10 ग्राम गोल्ड 50,000 रुपए का। तो लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं 1 किलो गोल्ड कितने का होगा? सोचिए सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। दस ग्राम सोने का भाव 50,000 रुपीज है, 1 किलो में 1,000 ग्राम्स आते हैं, मतलब 50,000 × 100 तो कॉस्ट हो जाएगा 50 लाख रुपीज। मेहुल अंदर जाता है, मैनेजर से मिलता है और उसे वो आईडी कार्ड देता है और उसे पता करने के लिए कहता है ये किसका है। सर ये आईडी कार्ड तो राघव का है। तब मेहुल अपने मोबाइल में उस आईडी कार्ड का फोटो मैनेजर को दिखाता है। क्या ये राघव है? हाँ सर यही राघव है, ये तो 10 दिन से छुट्टियों पे था। इसकी डेड बॉडी समुद्र के किनारे मिली है। इससे पहले कि मेहुल मैनेजर से कुछ और पूछता, उसे एक और कॉल आता है और पता चलता है कि जंगल के पास एक और लाश मिली है। मेहुल तुरंत अपनी कार निकालता है और उस एड्रेस पे पहुंच जाता है। पुलिस मेहुल को बताती है कि ये एक सुसाइड है, इसने खुद को मार लिया है, लेकिन मेहुल को उस पे डाउट था। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं ये मर्डर है या एक सुसाइड है? अच्छे से सोचिए, समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। खून सर के राइट साइड से बह रहा है, मतलब गोली यहां लगी होगी, लेकिन बंदूक लेफ्ट हैंड में है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? कोई लेफ्ट हैंड में बंदूक रख के राइट साइड पे गोली नहीं मार सकता, ये जरूर मर्डर है। मेहुल को हाथ में काफी खरोचे दिखती है, मतलब गोली मारने से पहले दोनों के बीच में हाथापाई भी हुई है। मेहुल उसकी बॉडी को अच्छे से चेक करता है, जिसमें उसे एक आईडी कार्ड मिलता है। आईडी कार्ड पे उसका नाम मयंक था। मेहुल फिर और डॉक्यूमेंट्स चेक करता है तो उसको पर्स में एक आईडी कार्ड और मिलता है। आईडी कार्ड देख के मेहुल एकदम शॉक हो जाता है। क्यों लॉजिकल आर्मी, ये आईडी कार्ड देख के मेहुल एकदम शॉक क्यों हो गया? आईडी कार्ड प्रतिभा ज्वेलर्स का है, इसका मतलब मयंक भी प्रतिभा ज्वेलर्स में काम करता था।
मुझे तुरंत प्रतिभा ज्वेलर्स की दुकान पर जाना होगा और समझना होगा ये सब चक्कर क्या है। मेहुल तुरंत प्रतिभा ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंच जाता है और वहां के मैनेजर को पूरा मामला बताता है। तब वहां का मैनेजर कहता है, सर मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ये संजू ने तो नहीं किया? पहलिया मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। सर 3 साल पहले संजू ने इसी प्रतिभा ज्वेलर्स में चोरी की थी, लेकिन राघव मयंक और मैंने मिलकर उसे पकड़ लिया था और पुलिस के हवाले कर दिया था, और जाते जाते उसने हमसे कहा था कि वो बदला लेगा। मेहुल पुलिस स्टेशन फोन करता है तो पता चलता है कि पिछले हफ्ते संजू जेल तोड़ के भाग गया था। मतलब ये जरूर संजू ने ही किया होगा, लेकिन वो जेल तोड़ के भागा कैसे? संजू चोरी के लिए जेल में कैद था, उसे 3 साल की सजा मिली थी। एक बार उसने देखा कि जेल के सिपाही सो गए हैं, उसने जेल का ताला तोड़ने की कोशिश किया। आप लॉक को देख के बता सकते हैं उसको खोलने का कोड क्या होगा? अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी, और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। प्लस को मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर दीजिए तो आपको कोड मिल जाएगा। जैसे 1 × 1 × 2 है 2, 1 × 2 × 3 है 6, तो कोड के लिए 1 × 3 × 3 हो जाएगा 9। संजू कोड 9 प्रेस करता है और जेल से भाग जाता है और सीधा राघव के घर जाता है। राघव सो रहा था, वो तकिए से उसका मुंह दबा के उसे मार देता है और पानी में फेंक देता है। फिर वो सीधा मयंक को किडनैप कर लेता है और जंगल में ले जाके उसे भी मार देता है। अगला निशाना उसका मैनेजर था। मैनेजर शाम को एक होटल में जाने वाला था, पॉसिबल है संजू खून करने की कोशिश वहीं करेगा। मेहुल होटल पहुंच जाता है, वहां उसे 4 लोग दिखते हैं। अब मेहुल कंफ्यूज हो जाता है कि इनमें से संजू कौन सा है। क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी चारों को देख के कि इनमें संजू कौन हो सकता है, ABC या D? अच्छे से सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। तीसरे आदमी को ध्यान से देखिए, इतने बड़े होटल में कोई ऐसे नहीं आ सकता इतने बुरे हाल में। ये जेल से भागा हुआ संजू ही है। मेहुल संजू आवाज लगाता है, संजू, तो संजू डिटेक्टिव मेहुल को देख घबरा जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। मेहुल जम लगा के उसे किक मारता है और वो नीचे गिर जाता है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स।